आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। चोखी नगर बोदला में घर के अंदर सट्टा लगाया जा रहा था, उसी समय पहुंची पुलिस ने सटोरियों को पकड़ लिया। सट्टेबाजों से नकदी, मोबाइल के साथ सट्टे की पर्ची भी बरामद हुई है। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर देहात में जुआ सट्टे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोखे नगर बोदला में सलमान के घर में सट्टे की गद्दी लगाई जा रही थी। जगदीशपुरा पुलिस ने दबिश देकर 9 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। सलमान के घर से 14,160 रुपए सट्टे की पर्ची, डायरी के अलावा अन्य सामान भी बरामद हुआ है। आगरा पुलिस ने कल थाना अंतर्गत जगदीशपुरा के अंदर मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति सलमान पुत्र साबुद्दीन के घर पे सूचना मिली कि उसके घर पे सट्टा चल रहा है, तो पुलिस ने सूचना पे वहाँ दबिश दी और मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ में वहाँ से 1760 रुपये और चार सट्टा पर्ची मतलब चार बुकलेट बरामद किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो पूरा मामला ऐसे समझ में आया कि ये लोग पर्ची पे नंबर लिखते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और उस नंबर का रिजल्ट आता है तो उसके मुताबिक उनको पैसे देते हैं। ये लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पने का एक तरीका है और इसीलिए इनको गिरफ्तार कर इनको आज जेल भेजा जा रहा है। एसपी सिटी विकास कुमार का कहना है कि पर्ची पर नंबर लिखकर सट्टा लगाया जा रहा था, इसके बाद नंबर खुलने पर पैसे दिए जाते थे। पैसे के लालच में रोजाना हजारों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा था। सलमान के घर पर गद्दी लगाने वालों के साथ चार ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो सट्टा लगाने के लिए आए थे। एसपी सिटी ने लोगों से जुआ सट्टा ना खेलने की अपील की है। अपराधी के साथ खंगाला जा रहा है और वो साथ में विवेचना में ऐड किया जाएगा। हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि इसकी पूरी मॉडल ऑपरेंडी को कल जाना गया, जो आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। लोग पर्ची पर नंबर लिखते हैं और एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके थ्रू नंबर का रिजल्ट आता है और व्यक्ति को 90 गुना पैसा उसका रिटर्न करते हैं। लेकिन एक दिन में ये करीबन 20,000-25,000 इतना पैसे लोगों से पैसे लेते हैं और एक ही नंबर पर रिजल्ट आता है और जो कि रिजल्ट किसी ने 10 रुपये लगाया उसको 900 रुपये मिलेगा, किसी ने 20 रुपये लगाया उसको 1800 रुपये मिलेगा। तो जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक दिन में 25,000 रुपये आपसे लेकर और बदले में आपको मात्र 2-4,000 रुपये देते हैं, ये शुद्ध रूप से आपके 20,000 रुपये का नुकसान करते हैं। जगदीशपुरा पुलिस ने दबिश देकर गुलाब नगर बोदला के विष्णु गोस्वामी, विजय, धर्मवीर, जीतू कुशवाल, फैजान, दिनेश, शकील, लादूखेड़ा सैया के राम नरेश, खटीक पड़ा हरि पर्वत के धर्मवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। तो आप लोग ऐसे जुए सट्टे में सम्मिलित न हो और पुलिस कार्रवाई में जो लोग सट्टा खेल रहे हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर रही है। इसमें चार लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ खेलने के लिए पहुँचे हुए थे, उनको भी मौके से पकड़ा गया है, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। आपसे मेरा निवेदन है कि जो लोग भी सट्टा खेलने के आदि हैं या खेलते हैं वो लोग इसे खेलना बंद कर दें, क्योंकि ये आपके पैसे का नुकसान करता है और साथ में आपके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जगदीशपुरा पुलिस ने दबिश देकर गुलाब नगर बोदला के विष्णु गोस्वामी, विजय, धर्मवीर, जीतू कुशवा, फैजान, दिनेश, शकील, लादूखेड़ा सैया के राम नरेश, खटीक पड़ा हरि पर्वत के धर्मवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। चोखी नगर बोदला में सलमान के घर पर काफी समय से सट्टे की खाई बाड़ी की जा रही थी। शहर के साथ साथ देहात से भी लोग सट्टा लगाने के लिए आते थे। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।